देशहित की चौथी खबर सुनकर भी पाकिस्तान का कष्ट और बढ़ेगा, क्योंकि मोदी और पुतिन मिलकर भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली डील करने जा रहे हैं। एयरफोर्स के पास सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट्स हैं। इन्हें भारतीय एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है। इनकी ताकत से दुश्मनों के बीच भारत का डर बढ़ता है और अब इन लड़ाकू विमानों को देश में ही ताकतवर बनाया जा सकता है। फाइटर जेट पर नई डील से होने वाले फायदे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझिए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा फैसला होने वाला है। अब भारतीय वायुसेना के रूसी मूल के जेट्स को अपग्रेड, मरम्मत या ओवरहाल की सुविधा पूरी तरह भारत में ही मिलेगी। नासिक में मौजूद एयरक्राफ्ट निर्माण और मरम्मत के प्लांट को इन सुविधाओं से लैस करने के लिए भारत और रूस के बीच बातचीत चल रही है। इस सुविधा का इस्तेमाल आसपास के उन देशों की वायुसेनाएं भी कर सकेंगी जिनके पास रूसी मूल के फाइटर जेट्स हैं। इस योजना के पूरा होने से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के रखरखाव के खर्च में भी कमी आएगी और समय की भी बचत होगी। भारतीय वायुसेना में रूसी मूल के फाइटर जेट्स की तादाद सैकड़ों में है और अगर भारत और रूस के बीच में समझौता हो गया तो इन सारे फाइटर जेट्स का रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, अपग्रेड सब कुछ भारत में ही हो जाएगा। भविष्य में इस फैसिलिटी को दूसरे देशों की वायुसेनाओं के लिए भी खोला जा सकता है। यानी अगर दोनों देशों के बीच बात बन गई तो नासिक का ये प्लांट एशिया में फाइटर जेट्स की एक बड़ी फैसिलिटी बनकर उभर सकता है। इससे भारत को तकनीकी और आर्थिक दोनों ही तौर पर बहुत फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक नासिक में मौजूद प्लांट को रूस से तकनीक और दूसरी सहायताएं दी जाएंगी ताकि वो वायुसेना के जेट्स की मरम्मत, अपग्रेड या ओवरहाल के काम को कर सके। नासिक का यह प्लांट भारत और रूस के समझौते के बाद 1964 में मिग 21 जेट्स के उत्पादन के लिए बनाया गया था। बाद में यहीं भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 एमकेआई जेट्स भी बनाए गए। भारतीय वायुसेना में रूसी मूल के मिग 21, मिग 29 और सुखोई 30 जेट्स हैं और इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। इन्हें मरम्मत, ओवरहॉल या अपग्रेड के लिए कई बार रूस भेजना पड़ता था जिसमें समय और पैसा दोनों ही ज्यादा लगता था। नासिक में ये सुविधा बनने के बाद दोनों की ही बचत होगी। जिन विमानों के मेंटेनेंस पर फैसला हो रहा है वो भारतीय वायुसेना में बड़ी तादाद में है और बड़ा रोल भी निभाते हैं। भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 एमकेआई 250 से भी ज्यादा है। मिग 21 फाइटर जेट्स 50 से अधिक हैं। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना को मिलाकर लगभग 90 मिग 29 लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक और मल्टी रोल फाइटर्स में से एक है सुखोई 30 एमकेआई। पिछले महीने ही सुखोई फाइटर जेट्स ने 8 घंटे लंबे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक ही मिशन में हिंद महासागर के बड़े इलाके में अपनी मुहिम को अंजाम दिया। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन को सुखोई से लॉन्च किया जा सकता है। सुखोई एक बार में 3200 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। दक्षिण भारत के तंजावूर में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट्स की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, जो हिंद महासागर के इलाके में दुश्मनों के लिए मुसीबत बन सकती हैं। और इन फाइटर जेट्स की ताकत बढ़ाने का काम अब मेक इन इंडिया के तहत देश में ही होगा। इस प्लांट से रूसी मूल के जेट्स ऑपरेट करने वाले भारत के करीबी देशों को भी फायदा होगा। अफ्रीका और एशिया के कई देश मिग 21, मिग 29 और सुखोई जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी सार संभाल और अपग्रेड के लिए भी उन्हें रूस भेजना होता है। नासिक के प्लांट को इस तरह विकसित करने पर काम चल रहा है कि भारतीय वायुसेना के जेट्स के बाद वहां दूसरे देशों की वायुसेनाओं के जेट्स भी लाए जा सके। इससे भारत रक्षा की एक और क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा और देश को आर्थिक फायदा भी होगा। पूर्वी एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए भी रूस के बजाय भारत आना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। भारत अब अपना हर रक्षा सौदा मेक इन इंडिया के तहत कर रहा है, यानी देश की हिफाजत की जरूरत का हर सामान अब देश में ही बनाया जाएगा। भारत के रूस के साथ जो भी सौदे हो रहे हैं उसमें साझा उत्पादन के बाद उसके निर्यात का भी प्रावधान है। ब्रह्मोस इस बिजनेस मॉडल का बहुत कामयाब उदाहरण है। भारत और रूस के बीच भविष्य में ऐसे कई कामयाब उदाहरण आने वाले हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
Z News.